अरे राम, आज तो छुट्टी है ना, आज के दिन कहाँ जा रहे हो? मेडिकल शॉप में कोई छुट्टी नहीं होती। सही बोला। अच्छा भाई, मैं आपको कल रेंट दे दूंगा, मेरे पास आज पैसे नहीं है। क्या राम, मैंने रेंट मांगा क्या? तुम्हारे पास पैसे आएंगे तो दे देना, ठीक है ना? ठीक है भाई, मुझे मेडिकल शॉप तक छोड़ देंगे क्या? क्यों, तुम्हारी गाड़ी का क्या हुआ? तीन दिन पहले मेरे भाई शूटिंग के लिए लेकर गए थे, अभी तक वापस नहीं आए। सब कुछ भाइयों को दे देते हो, पकड़ो इसे। चलो राम, मुझे गलत मत समझना, तुम उन लड़कों को और बिगाड़ रहे हो। तुम जो कमाते हो सब उन्हें दे देते हो, तुम्हारे पास रेंट देने तक के पैसे नहीं रहते। भाई, उनके पास पैसे नहीं है। वैसे भी हम लोग अनाथाश्रम में साथ साथ पले बढ़े हैं। जब मुझे नौकरी मिल गई तो मुझे वहां से निकाल दिया गया, और उनका देखभाल करने वाला और कोई नहीं है, और वैसे भी मेरा भी कोई नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहा हूं। तुमने बैंक से लोन लेकर उन्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? दिन भर कैमरा पकड़कर यूट्यूब के लिए रील बनाते हैं। भाई, मुझे दिन भर दवाई की दुकान में काम करना पड़ता है, हालांकि मुझे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा राम, तुम पैसे कमाते हो, उन्हें पैसे देना बंद करो, फिर तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएंगे। भाई, जस्ट लेफ्ट में पार्क के पास रोक देना। पार्क में? पार्क में क्या करना है? अरे, वो लड़के वहीं पर होंगे, उन्हें घर की चाबी देनी है। लड़के? लेकिन सुबह फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो बाहर गए हुए हैं। आपसे मजाक कर रहे होंगे। मेरा हेलमेट दो, मैं चलता हूँ। अरे बाप, बलून, तुम्हें शर्म नहीं आती बेवकूफ? नो मेंशन, थैंक यू। बस रुकिए यहाँ पर। अरे भाई आ गए। ए सुनो। ए भाई, किसी भी उल्लू को हमारा फोन नंबर क्यों देते हो? घर के मालिक ने रेंट के लिए फोन करके परेशान कर दिया। अबे चुप हो जा। कमाल है यार, सिर्फ घर के लिए फोन कर रहा है हमको। एक बात ध्यान से सुन ले, हम लोग उसके घर में रहते हैं और उल्टा रेंट भी उसी से लेंगे। हाँ। कह दो हमसे पंगा ना ले, फोन कर करके परेशान कर दिया है। बुढ़े की बीवी इतनी सुंदर है कि जलन होती है। हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में बात करने की? वेलकम भाई, आप कब आए? मैं कब आया? देखा नहीं, घर से गाड़ी चला करके मैं ही आ रहा हूँ बेटा। हम लोगों ने नहीं देखा। नहीं, तुम्हें पता नहीं कि ये गाड़ी मेरी ही है? नहीं, हमको नहीं पता। तुम लोग को ये भी नहीं पता कि ये हेलमेट मेरा ही है? कसम से नहीं पता। लेकिन ये पता है कि मेरी बीवी बहुत सुंदर है? ये तो पता है। जय जय देवी माँ, जय माता। ये पूजा किसके लिए है? भगवान के लिए। किस भगवान के लिए? उसी के लिए जो हमारे शहर के रॉक स्टार है, शिवा और विकी। उसकी बीवी इतनी सुंदर है, उससे जलन होती है मुझे। सुनो, पंखा बहुत साफ हो गया, अब तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्या बात है? मुझसे सवाल मत करो, जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। तो फिर मैं सवेरे योगा सीखने कैसे जाऊंगी? योगा? कौन सिखाता है योगा? वही विकी मास्टर है? वो मोटा गेंडा तुम्हारा योगा मास्टर है? सुनो, आज के बाद अगर योगा सीखने तुम उसके पास गई तो याद। क्या हो रहा है यहाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे किरायेदार से ऐसे बर्ताव करने की? कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो तुम लोग? मुझ पे मत चिल्लाओ, अगर ये मेरा पैसा वापस कर देगा ना तो मैं बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाऊंगा। कितने रुपए? 1,500 रुपया। 1,500 के लिए इतना चिल्ला रहे? ये लो। अरे भाई, चुप करो, ये लो, जाओ यहाँ से, चलो चलो। अगले महीने मुझे समय पे दे देना। ठीक है, जाओ जाओ। अरे यहाँ तमाशा नहीं हो रहा है, कुछ भी हो चले आते देखने के लिए। अरे जाओ यहाँ से। देखा, 1,500 के लिए कितना बवाल कर रहा था, सब तुम्हारे भाइयों की वजह से होता ही है। भाई, ऐसी बात तो नहीं। फिर क्या बात है? जब देखो भाई 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 करते रहते हो, जितना कमाते हो सब भाइयों पे खर्च कर देते हो जाकर। देखो जरा जमाने को समझो, कोई साथ नहीं देता, 34-35 साल के हो गए हो, दूसरों के लिए जीना छोड़ो, थोड़ा अपने लिए भी करो। 10 रुपए भी है क्या तुम्हारी जेब में? अरे भाई, भाई वो बात ऐसी है कि मैं ये भाई बहुत बढ़िया भाई, जब वो पैसे के लिए तुम्हें डांट रहे थे हमको बहुत बुरा लग रहा था। ये लाओ भाई, हो तो आपके जैसा हो। ले 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 ले। देखा ना क्या किया उन लोगों ने, उससे जाकर क्या स्कूल की फीस भरेंगे या किसी गरीब की मदद करेंगे या अनाथ बच्चों को खाना खिलाएंगे? अय्याशी करेंगे उस पैसों से जाकर। सर, तुम इस तरह टेंशन में क्यों हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है सर। हे,
कौन हो तुम? क्या कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कौन है? देखो मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, छोड़ दो इन्हें। चुप रहो, ज्यादा चिल्लाओ मत। तुम इन्हें मारना चाहते हो ना? क्या मैं नहीं मारना चाहता? और नहीं तो क्या, फिर तुम्हें इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? देखो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। शांत हो जाओ। मैं जो कहने जा रहा हूँ सब लोग ध्यान से सुनो। अगर तुम में से कोई इस पुट्ठे को मुझे पकड़ा दिया और खुद सुंदर लड़की को पकड़ लाया। जाने दे उसे, नहीं तो मैं इसको मार दूंगा। सर, उस आदमी के लिए मुझे क्यों पकड़ के रखा? चुप रहो, नहीं तो कुछ सुनने के लायक नहीं रहोगी। तुम मेरे साथ गेम खेल रहे हो? ठीक है, तुम उसे मारो, मैं इसे मारता हूँ। सर सर प्लीज, सर प्लीज सर, मैं तो उस आदमी को जानती तक नहीं हूँ। सर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। चुप करना, चुप। ए, उसकी कमर से हाथ हटा। क्यों, तुझे चाहिए तो तू भी उसकी कमर पकड़। ए, उसकी कमर से हाथ हटा वरना ठीक नहीं होगा। देख, बकवास बंद कर, चुपचाप हाथ हटा। क्या ज्यादा बोलेगा तो इसे मार दूंगा। सर सर प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। सर प्लीज, सर प्लीज सर, मुझे जाने दे सर प्लीज। सर प्लीज 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 प्लीज। सुनिए सर, वो भी आपकी तरह चाकू की नोक पर है। देखिए कैसे जिंदगी की भीख मांग रही है, और एक आप हैं जो बिना किसी रिएक्शन के चुपचाप खड़े हैं। मैंने कैमरा देख लिया था। कैमरा? इम्पॉसिबल, हमारा कैमरामैन। अबे शरद। हाँ भाई, बोलो ना। क्या कर रहा है वहाँ तू? शूट कर रहा हूँ भाई। ओ क्या बोला? छुपके छुपके शूट कर रहा था भाई। तुझे किसी ने देखा तो नहीं? बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। चल रोल कर, मैं रेडी हूँ, चलो एक्शन। तेरी एक्शन की तो। सर हम लोग तो बस यूं ही, आपको भी हमारे साथ मजा आया होगा ना, प्रैंक था सर। हमें मजा आ रहा है? तुम लोग प्रैंक कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, सबको अपनी तरह समझते हो क्या तुम? जब तुमने मेरी गर्दन पर चाकू रखी थी तो पता है मैं कितना डर गई थी, मेरी तो जान निकल रही थी। और अगर ये प्रैंक ही था तो कैमरा के सामने मुस्कुराने को क्यों नहीं कहा? रिपोर्टर, अगर मैं पुलिस को बता दूं ना तो 5 साल की सजा हो सकती है, तुम्हें पता है? फोन करो क्या उन्हें? नहीं प्लीज, ऐसा मत करो। आज के बाद अगर कहीं भी कैमरा के साथ दिखाई दिए ना तो छोड़ूंगी नहीं। रास्कल्स। हे, इन सबको हटाओ यहाँ से। चलो हटो, जाओ यहाँ से, जाओ अपना अपना काम करो, जाओ जाओ जाओ। क्यों भाई? तो तुम लोग यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो? जी हाँ सर। इतने लोगों के सामने तुम लोगों ने मेरे गले पर चाकू रख दिया, अगर भीड़ में से कोई निकल कर तुम लोगों को मारने लगता तो? सर ये आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं आपकी गर्दन पर चाकू रख देता तो मेरे पास आने की हिम्मत कौन करता? उस लड़की के गले पर जब चाकू रखा तो वो भी डर गई थी सर, उसने तब मारा जब उसे पता चला कि सामने कैमरा है। अच्छा, इतने लोगों के सामने एक लड़की ने तुम्हें थप्पड़ मारा, फिर तुमने उसे क्यों नहीं मारा? ओ, बिल्कुल, अगर मैं उसे वापस मारता तो वो मुझे फिर से मारती, फिर मैं उसको मारता और उसके बाद वो मुझे वापस मारती, फिर ये बदला पूरा कैसे होता सर? जिस हिम्मत से उसने मुझे मारा मैं उसकी सारी हिम्मत तोड़ देता, लेकिन मुझसे वो डर जाती और ऐसा मैं नहीं चाहता था, क्योंकि औरत को डरना नहीं चाहिए सर। ऐसा क्या? हाँ बिल्कुल सर। सर, सर, आप प्रैंक स्टार शिवा है ना? सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। सर, जब तूफान आया था उस वक्त आपने लोगों की कितनी हेल्प की है सर। सर, आपने तो अपनी किडनी बेचकर लोगों को पैसे दिए थे, मैं हाथ जोड़कर आपको थैंक यू बोलता हूँ सर, थैंक यू बोलता हूँ। मुझे अपने पैर छूने दीजिए सर, पैर छूने दीजिए। हमारे आदमी है जो ऐसे मुश्किल वक्त पर हमारे लिए ऐसी बातें करते रहते हैं सर। अबे जाना सर, जल्लीकट्टू विरोध के दौरान। गेट आउट। क्या भाई, तुम पब्लिक में इतनी रिस्क लेते हो, कुछ पैसों के लिए तुम लोग इतना कष्ट क्यों उठाते हो? सर हम लोग ना ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हैं, सॉलिड कैश, लाखों करोड़ों रुपए सर। अच्छा ये बताओ, लाखों करोड़ों कमा कर क्या करोगे? सर वो रहने दे। नहीं यार, मुझे बोलने से मत रोक अभी। सर इसका नाम है विकी, ये मेरा दोस्त है। ये कुछ दिन पहले बेहोश हो गया था और जब हॉस्पिटल में इसे लेकर गया तो पता चला कि इसे ब्रेन ट्यूमर है। सॉरी। जब हम लोग इसका इलाज करने के लिए गए तो पता चला कि इसके हार्ट में एक होल भी है। सॉरी। जब हम लोग उस होल को भरवाने के लिए गए तो पता चला कि इसकी बॉडी में लंग्स ही नहीं है सर।
यही कारण है सर कि हम लोग ढेर सारा रुपया कमाना चाहते हैं। रुपयों से ही तो ये सब हो पाएगा ना। अब देखिए ना, ये जगह कितनी अच्छी और ठंडी थी, लेकिन अभी कितना पसीना हो रहा है। पैसा चाहिए। देखिए, जो टमाटर हम लोग खाते हैं वो रोड पर बिकता है, और हम लोग जो जूता पहनते हैं वो शोरूम में मिलता है। पैसा 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 ही तो सब कुछ है सर। आपको एक छोटा सा जनरल नॉलेज नहीं पता तो आप इस देश में कैसे रह पाओगे। सर, आपके पास कोई विजिटिंग कार्ड है क्या? सर, ये कार्ड किस लिए? हाँ सर, ठीक है, कोई बात नहीं। एक मिनट सर, पेन है क्या? ओके ओके, बाय द वे ये है मेरा विजिटिंग कार्ड। आपको हमसे कोई वीडियो बनवाना हो तो आप कभी भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जल्दी हमसे संपर्क करने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि कई सारे स्पॉन्सर्स हमारा वेट कर रहे हैं। सर, इसे ठीक से रख लीजिए। भाई, वो आदमी हमसे 20 करोड़ के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करना चाहता है ना? वो चला गया। चला गया? हमें चप्पल से मारने वाला था। कमाल है यार। ये आप कैसी बात कर रहे हो? अगर मैं आपकी गर्दन पर चाकू रख देता तो मेरे पास आने की हिम्मत कौन करता? और जिस हिम्मत से उसने मुझे मारा, मैं उसकी सारी हिम्मत तोड़ देता, लेकिन वो मुझसे डर जाती, और ऐसा मैं नहीं चाहता था। पैसा पैसा ही सब कुछ है सर। राम नाम का है जो इस बीच पर भिखारियों की मदद करता है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। आज उसका इंटरव्यू लेना चाहती थी मैं। दोबारा अगर कहीं मुझे कैमरा के साथ दिखाई दिए ना। अरे आप लोग यहाँ कब से? आप लोगों को यहाँ पहले कभी देखा नहीं था? वैसे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। उठिए आइए, आराम से बैठिए। भूख लगी है क्या? कैसे हैं? ठीक है बेटा। खाना खा लिया ना आपने? खा लिया। मेरा नाम है राम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृपाल है। दादी, आपका नाम? मेरा नाम बिमला। ओ, अच्छा नाम है। ये मेरे भाई हैं शिवा और विक्की। नमस्ते। हाय डार्लिंग। हेलो डार्लिंग। व्हाट अ इंग्लिश। वैसे आप लोग यहाँ पर कब से हैं? हम लोग यहाँ 30 सालों से हैं। हम लोग यहीं मांगते हैं, यहीं खाते हैं और यहीं सोते हैं। 30 साल पहले ऐसा क्या हुआ कि आप लोग यहाँ पर आ गए? ये बात 30 साल पहले की है। ये अपने घर पे खाना बना रही थी, तभी स्टोव फट गया और हाथ से लेके गर्दन तक सब कुछ जल गया। फिर हम लोग हॉस्पिटल चले गए। फिर हमारे बच्चों ने हॉस्पिटल का बिल भरने के नाम पे पेपर पे अंगूठा लगवा लिया। फिर हम लोग उनका इंतजार करते करते थक गए, वो हॉस्पिटल नहीं आए। फिर हम लोग हॉस्पिटल से निकल के सीधा यहाँ चले आए। बेटा, आप यहाँ चले आए? हाँ। जली हुई हालत में लेकर चले आए? उसके बाद 3 साल तक कृपाल मेरी देखभाल करता रहा। ए, अपने पति का नाम ले रही है? ए, तो क्या हुआ? मैं अपने हाथों से खाना तक नहीं खा सकती, कृपाल ही खिलाता है। आप इनको 30 सालों से खिला रही हैं? नहीं नहीं, कृपाल मुझे 30 सालों से खिला रहा है। आप 30 सालों से इनको खाना खिला रहे हैं? मैं अभी भी इसे 40 सालों तक खाना खिला सकता हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? अरे दादा। अच्छा दादी, ये छोटी सी बात पे ऐसे गुस्सा होते हैं क्या? हाँ बेटा, मुझसे गुस्सा हुए तो 3 साल तक बात नहीं। बात बात में गुस्सा होने वाले आदमी के साथ क्या तुम रहना चाहोगी? मेरे साथ चलो ना, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा अच्छे से। हाँ डार्लिंग, मैं भी इस आदमी के साथ रह के तंग आ गई हूँ। तुम उस आदमी के साथ क्यों बातें कर रही हो? डार्लिंग, वो तो अपना हक जता रहा है, तुम्हें उससे कोई परेशानी तो नहीं होती है ना? अपना हाथ मुझे दो। वेरी गुड, कम किस मी डार्लिंग। उसे किस मत करना। करूंगी। दादा, रेलवे स्टेशन में मैं आपके लिए एक झोपड़ी बनवा के दूंगा, वहाँ पर आप अच्छे से रह सकते हैं और ठेले पर सब्जी भी बेच सकते हैं। ठीक है? ठीक है। तुम उसका भाड़ा लोगे ना? कैसी बात कर रही हो डार्लिंग, ये सब हम लोग तुम्हारे लिए तो कर रहे हैं ना। सचमुच इसी के लिए कर रहे हो? हाँ बिल्कुल। तो मेरी डार्लिंग अब छत के नीचे सोने वाली है? हाँ बिल्कुल।
अरे नहीं नहीं क्या कर रहे हैं आप? सर हाँ सर हाँ भगवान आपका बहुत भला करेगा सर, ये सब देखकर बहुत खुशी हुई। थैंक यू सर। मेरा नाम निशा है, मैं ABC चैनल की रिपोर्टर हूँ। ओके। एक्चुअली मैं यहाँ आपसे ही मिलने आई हूँ, क्या आप हमारे चैनल के लिए इंटरव्यू दे सकते हैं? देखो मैं कोई भी इंटरव्यू देना नहीं चाहता हूँ, ये सारा काम करके मुझे खुशी मिलती है बस, और अगर मैंने आपको इंटरव्यू दे दिया तो मेरा उद्देश्य बदल जाएगा, मैं इंटरव्यू नहीं दे सकता हूँ, सॉरी। ओके सर, लेकिन अगर कभी भी आपका इंटरव्यू देने का मन करे ये मेरा नंबर है, कॉल कीजिएगा। इंटरव्यू के लिए पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ए, पता है ये लड़की कौन है? क्या कर रहा है? ये वही लड़की है। हाँ यार, हम लोग खुद कई सालों से YouTube चैनल चला रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने खुद कभी इनका इंटरव्यू नहीं लिया। सर, एक्सक्यूज मी सर। ये बोल के इंटरव्यू ले लोगी क्या? कोई इंटरव्यू नहीं, चुपचाप जाओ यहाँ से। सर, आप मुझे इंटरव्यू नहीं देंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें भी कभी इंटरव्यू मत देना सर। क्यों? 10 लोग भी इनका चैनल नहीं देखेंगे। क्या कह दिया इस लड़की ने? अरे अरे अरे, क्या कर रहे हो? बस बस, क्या कर रहे हो? पक्का लोगे क्या? अरे ऐसा मत करो, शांत हो जाओ क्या हुआ रे? इसे अंदर रख, मुझे दिखा मत, और अंदर डाल। अब ठीक है। ए भाई भाई भाई, अरे वो देखना। हट थोके बाज। ए, ए, अरे उधर देखना, याद आया वो कौन है? यार ये तो उस दिन मॉल में था, उस बुड्ढे का पिया है ना, देखो हाँ कैसे सूट पहनकर मुंह बना के जूस पी रहा है। ए, वो हम लोगों को फॉलो कर रहा है यार। ये तो क्या बोल रहा है? हाँ बिल्कुल, कल होटल में हमारे पीछे ही खड़ा था। अरे भाई कुछ तो गलत होने वाला है हमारे साथ, केयरफुल रहना होगा। ए, मुझे डरा क्यों रहा है? नहीं नहीं, डरने की तो जरूरत नहीं है, चल चलते हैं। Actually, Indian economy heavily depends on agriculture and farming. Yes, Mr. Vicky. लेकिन किसी को उसकी परवाह नहीं है। Yeah. इस क्राइसिस के दौरान हमारे नौजवानों को इसका ख्याल करना चाहिए था। पिए था क्या? तूने भी देखा क्या? कौन सा सपना था? हम लोग बात करते हुए जा रहे थे और उसने अपनी गाड़ी से हमें कुचल दिया और हम दोनों को शूट करने वाला था। और तूने क्या देखा? मैंने ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। गाना आए या ना आए, गाना चाहे। अरे कोई नहीं है, गाना गा के नहाना चाहे। हाय विक्की, बता ना यार कैसा सपना था? मेरा सपना भी एक्सीडेंट वाला था, सेम तेरे जैसा। उसने अपनी गाड़ी से हमें कुचल दिया और हम दोनों को शूट करने वाला था। चलो छी, हाथ हटा ढीले कहीं के, मुझसे दूरी बनाए रख।
एसी चालू करने को बोलो। हाँ। अरे वाह। हमारे पास भी पैसा आते ही ऐसा घर खरीदेंगे और अपने घर के मालिक को इसमें किराए पे रखेंगे। चुप कर पागल। इतना बड़ा घर खरीदने के बाद उसे रखने की क्या जरूरत है? उसकी बीवी रहेगी तो चलेगा। ऐसा क्या? हाँ यार। क्या चाहिए? क्या बात है मेरे लाल? ये क्या कर रहे हो? तुम दारू की दुकान में स्वीकृति देने जा रहे हो, उसके बाद तुम हमारा विरोध भी करोगे? ए, मैंने विरोध करने की बात कब कही? इतनी जोर से मारा। एक बात बताओ, खेती की जमीन पर कंपनी खड़ी कर दोगे तो हमें अनाज कहाँ से मिलेगा? हाँ? फैक्ट्री मैं नहीं बनवाने जा रहा हूँ। मैं भी कुछ नहीं करने वाला हूँ। लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं है और तुम कोल्ड ड्रिंक्स बेचोगे? हमने तुझे ऐसा कब कहा? सपना देख रहा है क्या? तो इस बात की सच्चाई मैं किससे पूछूं? अंदर एक आदमी होगा, जा उससे जाके पूछ। अरे बाप रे, जरूरी उसी पीए का छोटा भाई होगा। हो सकता है, कमीना देखने में वैसा ही है। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? कौन है बे तू? कहां से आया? उल्लू कहीं के? अपनी शक्ल देखी क्या? अरे पहले क्यों नहीं आए? लेकर जाओ इस जंगली को, लेकर जाओ। बुरा मत मानिए, बहुत अंधेरे हैं। अब जाइए, चलो चलो चलो। सबसे पहले तो डंडा उसे छीन लो। छोड़ूंगा नहीं भाई। नमस्ते सर। बैठो। कोई बात नहीं सर, हम लोग आपके सामने बैठ नहीं सकते। अरे बहुत ड्रामा हो गया, बैठो। बैठना ही होगा। सर आप पियानो बजाना भी जानते हैं क्या? अगर मैं कहूंगा नहीं जानता हूं तो क्या करोगे? नहीं सर, सभी बड़े बड़े घरों में यह देखा है लेकिन किसी को बजाते हुए नहीं देखा। पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है? पता है सर, कुछ महीनों से आपकी बेटी लापता हो गई है, उसके बारे में कहीं पता नहीं चल रहा। अगर आप पुलिस के पास गए तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी, इसलिए आप हमारे पास आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो? फिर क्या बात है सर, जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम यहाँ आए क्यों? तू देख नहीं रहा है कि इतने सारे आदमी इनके खड़े मगर ये बैठे हैं? तू इनसे इस तरह बात करेगा? सॉरी सर, आप बताइए ना सर। इसे बोलो कम बोला करे। ठीक है, मैं बताता हूं कि मैंने क्यों बुलाया। पैसा पैसा, बहुत पैसा कमाना चाहते हो ना? तुम्हें क्या लगता है पैसों से खुशी मिलती है? लिखो कितना चाहिए। सर आपको हमारे बारे में पता नहीं है, इस मामले में हम लोग शर्माएंगे नहीं। वापस रखिए। जितनी मर्जी लिख दो। भाई बहुत ज्यादा बोल रहा है बुड्ढा। 20-25 जीरो लगा डाल। मुंह बंद रखना। 1, 10, 100, lakh, lakh and lakh and पता नहीं उसके पास होगा या नहीं। मिलियन बिलियन ट्रिलियन अमाउंट सर। हम्म,
इसमें कुछ और जीरो लगाकर मैं तुम्हें उतने रुपए दूंगा, लेकिन तुम्हें हमारा काम करना होगा। सर मतलब आप सच में हमें उतने रुपए देंगे? क्या बोल रहे हैं सर, आप सच में हमें उतने रुपए देंगे? हाँ बिल्कुल। अरे सर तो बताइए ना हमें क्या करना होगा। बताइए सर, अब जो बोलेंगे हम वो करेंगे, बताइए। तुमसे नहीं होगा। अरे हम लोग सच में आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है सर। नहीं करोगे? अभी तक चुप क्यों है? बताइए सर, बताइए। हाँ, बोलिए। हे, अब मुझे बोलने देगा? बोलिए सर, बोलिए सर, बोलिए। मैं तुम लोगों को तीन टास्क दूंगा, अगर तुम लोग तीनों टास्क में सक्सेस हो गए तो तुम लोगों को जितना बोलोगे उतने पैसे दूंगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन नंबर वन, टास्क के दौरान तुम लोग मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछोगे। कंडीशन नंबर टू, पहला टास्क पूरा हो जाने के बाद ही मैं तुम्हें दूसरा टास्क बताऊंगा। अब कंडीशन नंबर थ्री, ये सबसे महत्वपूर्ण टास्क होगा। दोनों टास्क पूरा करने के बाद तीसरा टास्क करने जाओगे तब तक तुम लोगों को एक भी रुपया नहीं मिलेगा। और हाँ, तीसरा टास्क बहुत मुश्किल होगा और यह पूरा काम खत्म होने तक तुम्हें वही रहना होगा जहां मैं कहूंगा, और मेरे दिए हुए नंबर को तुम लोग यूज करोगे। इस काम के दौरान जो भी पैसे खर्च होंगे वो मैं दूंगा, अगर तुम्हें सारी शर्तें मंजूर हैं तो इस एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर दो। क्या हुआ, क्या सोचने लगे, डर लग रहा है? नहीं सर, एक्चुअली पैसे तो ठीक है, लेकिन इसके लिए हम लोगों को कम से कम 10-15 काम तो देने चाहिए थे ना, मगर तीन, ओनली थ्री वर्ड्स। कम आ रहे, ज्यादा उछलो मत। पहले साइन करो। हाँ यही है। सर यस, तुम लोगों को शायद पता नहीं तीनों टास्क बहुत बड़े होंगे। अरे हम लोग कौन से छोटे आदमी है सर, टास्क तो बताइए। हमारे इस राज्य में 22 न्यूज चैनल्स हैं। सभी चैनल्स पर सेम समय पर सेम ब्रेकिंग न्यूज दिखाई जाती है, और मैं सारे चैनल्स पर तुम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज में देखना चाहता हूं। मैं न्यूज में सिर्फ तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं। पूरे दिन छोटे से लेकर बड़े डिबेट में सिर्फ तुम्हारी ही चर्चा होनी चाहिए। शाम के अखबार से लेकर सुबह के अखबार तक सिर्फ तुम लोगों की ही हेडलाइंस होनी चाहिए। FM, रेडियो सभी पर तुम्हारी ही चर्चा होनी चाहिए। और मैं यहाँ बड़े स्क्रीन पर सारे 22 चैनल्स को लगाऊंगा और सब में तुम्हारा ही चेहरा होना चाहिए। मैं यहाँ बैठकर उसका आनंद उठाऊंगा, देखूंगा और एंजॉय करूंगा। मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी। हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत खुशी होगी। आप लोग एंटी इंडियन हैं। उसका नाम विग्नेश नहीं है, उसका नाम जोसेफ विग्नेश है। वो हूबहू मेरी जेरोक्स कॉपी है। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता हूं मैं। आज मैं एक फिल्म की समीक्षा करने के लिए जा रहा हूँ जिसका नाम है दिल के राजा। आपको पुराने फिल्म का गीत तो याद ही होगा ना, फिल्म के टाइटल में पूरा गाना तो नहीं मिलेगा आपको। अरे बाप रे। फनी 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 फनी। क्यों यार, हम लोगों का ब्रेकिंग न्यूज बनना थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना? अरे मुश्किल तो दूसरी बात है और असंभव दूसरी बात, सच में। ऐसा क्या? और नहीं तो क्या, तू उस म्यूजिक चैनल में 6 साल से फोन कर रहा है, फोन उठाया उन्होंने? नहीं। फिर मीडिया में कैसे आएंगे अब, तू ही बता क्या करें। इसमें किसी की मदद भी नहीं ले सकते, शहर में कौन जानता है हमको। आज श्री हरिकोटा में मंत्री लेलोर गाजा वहाँ के वैज्ञानिकों से मिलने जा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इस मीटिंग के बाद विज्ञान जगत को जरूर कोई ना कोई फायदा हो सकता है। ABC चैनल से मैं निशा। काम हो या ना हो लेकिन इससे हेल्प नहीं लेंगे हम लोग। राइट राइट राइट, यहाँ तक कि हम मर भी जाए फिर भी उससे हेल्प लेने के लिए नहीं जाएंगे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कूल रहना होगा मुझे। अच्छा हम लोग उससे हेल्प लेने जा सकते हैं क्या? पागल हो क्या तुम लोग?
ब्रेकिंग न्यूज में आना चाहते हो? ब्रेकिंग न्यूज देंगे। आखिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल आते कैसे? निशा 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 प्लीज प्लीज निशा थोड़ी सी हेल्प कर दो ना। प्लीज प्लीज पहले ये बताओ ब्रेकिंग न्यूज में आकर बोलना क्या चाहते हो? ये सब हमसे हाँ, पूछो। अगर तुम हमें कोई आइडिया दो तो हम उसे ब्रेकिंग न्यूज बनाने का नया तरीका ढूंढ लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम लोगों को पता है ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्या होता है? वैसे भी न्यूज बनाना कोई आसान काम नहीं है। हर रोज किसी न किसी न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाना पड़ता है। तुम तो उसके लायक भी नहीं हो। मेरा मोबाइल छू रहे हो? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बिना परमिशन के तुमने मेरा मोबाइल छुआ कैसे? हाँ मोटा गेंडा। बिना पूछे क्यों छुआ तूने? तुझे में कॉमन सेंस नहीं है क्या? यहाँ पर मीटिंग हो रही है और ये सब क्या कर रहा है तू? मोटा गेंडा। छोड़ो इसे, माफ करो निशा, और प्लीज कुछ करो, कुछ बताओ यार। तुम जैसा कहोगी हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बस थोड़ी सी हेल्प कर दो प्लीज निशा, प्लीज निशा। अच्छा तुम लोगों के पास कैमरा है ना? हाँ। उससे लेकर पूरे शहर में घूमो। हाँ। जहाँ भी कोई अच्छी चीज दिखे हाँ, हाँ। उसका अच्छा सा फुटेज बना लो। हाँ। हर रोज हम 6 लोग 100 अलग अलग न्यूज ढूंढते हैं। हाँ। मैं उन्हें कह दूंगी कि उनमें से एक तुम्हारी भी बना दे। हाँ। मैं ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे भाई के लिए कर रही हूँ। निशा बस तुम्हें बुला रहे हैं। ओ नो। ये क्या नाराज हो रहा है? कहती है उसके हिसाब से काम करेंगे तो कवर करेगी। उसके मोबाइल में गंदे वीडियोस हैं। हाँ? क्या बात कर रहा है? ये बिल्कुल सच है यार, इसीलिए तो उसने मुझे फोन छूने नहीं दिया। सच बोल रहा है? हाँ भाई, जरूर उसके फोन में कुछ ऐसा है जो हम देख नहीं सकते। इसने तो पैटर्न लॉक लगा के रखा है। ओहो, पैटर्न लॉक लगा रखी है? उसका नाम निशा है। पैटर्न लॉक एन होगा। ला दे। पैटर्न लॉक लगा कर रखती है। ले, खुल गया लॉक। का मतलब लड़कियां उसे दिल देती हैं जिसे बुढ़िया किस करती हैं। ए आना, एक मिनट के लिए आना। अब क्या क्या करूं? आ गई नहीं तो मुझे भी थप्पड़ मारेगी। तुम लोग अब तक गए नहीं क्या? नहीं। तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है। काम चोर कहीं के। ऐसे दांत क्यों दिखा रहे हो? मैं कोई जोक सुना रही हूँ क्या? मेरा फोन छुआ था। पैटर्न लॉक लगाया है। हाँ, और तुम्हारा पैटर्न तो खुल ही नहीं सकता। कितना डिफिकल्ट पैटर्न हो गया। भाई जरा इधर आओ। इस लड़की का नाम निशा है और ये है उसका फोन। अच्छा, इसमें पैटर्न लॉक है, जरा खोल के दिखाओ। अगर इनका नाम निशा है तो पासवर्ड ए नहीं होना चाहिए। लीजिए, खुल गया। डुइट गाना गाने जा रहा है। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि हमें बहुत सारा काम करना है, तो काम पे ध्यान दे। अब हमें काम पर लौटना चाहिए मिस्टर शिवा। ब्रेकिंग न्यूज में आने के लिए कोई आइडिया मिला? लेट मी टेल यू वन आइडिया। यस प्लीज। शहर में एक मगरमच्छ आ जाता है और एक आदमी का सर अपने मुंह में दबा लेता है। विघ्नेश बेवकूफ, गवर्नमेंट ऑफिस से छलांग लगाने वाला पहला आदमी बना शिवा। एक आदमी माउंट रोड पर नंगा नाच रहा था विघ्नेश। एक गंदे बीच को अकेला साफ करने वाला आदमी बना शिवा। अब बोल। अरे ये तो बहुत अच्छा आइडिया। तो तू क्या कह रहा है, बीच साफ करे? हाँ। तू भी करेगा? हाँ। तो अभी तक सोच क्यों रहा है? ये भी डालता हूँ। ये इसके अंदर। हाँ ठीक से लेना। हाँ चल चल वो लो, उठाओ हटाओ 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 हटाओ। भाई इधर देख। हाँ जरा बता। ये तो कल सुबह न्यूज़ बनी थी।
प्लीज मोटा गेंदा सुन, हम लोगों का कोई आइडिया काम नहीं आया। मैंने तुझे पहले ही कहा था ये हमारे बस की बात नहीं है यार। ब्रेकिंग न्यूज में आना कोई साधारण बात है क्या? हम लोग पागलों की तरह ऐसा क्यों कर रहे हैं पता नहीं। मैं जानता हूं हम लोग पागलों की तरह ऐसा कर रहे हैं और ये भी मानता हूं कि हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन जरा इस बारे में सोच कि हमें ऐसा मौका इससे पहले जिंदगी में किसी ने नहीं दिया था और ना ही जिंदगी में फिर ऐसा मौका कभी कोई हमें देगा। इसलिए मैं मौके का फायदा उठाना चाहता हूं। अरे जरा सोचना यार, आखिर हमारे पास खोने के लिए है ही क्या? हमें इसके लिए जी जान लगा देनी चाहिए भाई। अब तू बकवास मत कर। ले बिना भाई देखना वहां कुछ गलत हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? तू इधर कैमरा रोल कर, फ्रेम सेट कर, आधा उधर का और आधा हमें दिखना चाहिए। ओके एक्शन। ओके देखिए, यहाँ पर अमीर घरों के चार लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली दो लड़कियों के साथ घटिया हरकतें कर रहे हैं। इस राज्य में इस तरह की लगातार कई सारी घटनाएं हो रही हैं। अगर ऐसी घटनाओं को रोकना है तो हमें ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी होगी, जैसा कि विकी आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं। अबे मेरा नाम क्यों लिया? रुक जा। क्या तू जाकर बचाता क्यों नहीं है? तू देख रहा है ना कैसे मुस्टंडे लग रहे हैं वो लोग, तू भी उन्हीं की तरह है बिल्कुल। For your kind information, Mr. Shiva, मैं कैमरामैन हूँ, कैमरा संभालता हूँ, उन्हें तू बचा। अगर हर कोई सिर्फ अपने काम से मतलब रखेगा तो उन्हें कौन बचाएगा बता? तो तू यहाँ किस लिए है? जाकर उन्हें बचा। समाज के प्रति इतनी लापरवाही है तेरी? तू जाएगा या यहाँ भाषण देता रहेगा? वहाँ किसी की जान खतरे में है। वो लोग कहाँ हैं? क्या बात कर रहा है? ये मुझे ऐसे घूर क्यों रहा है? अबे तू, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, ये सब तेरी गलती है। सच्चन इर्रेस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन। कौन मैं? हाँ तू, मनहूस आदमी। हमें एक मौका मिला था, वो भी हाथ से निकल गया। खुश है ना? क्या कहा? कितना अच्छा मौका था। ए, तुझे एक बात पता है क्या? जब कोई अच्छा काम करना चाहता है तो उस पर कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब कोई आदमी बुरा काम करता है तो उस पर सब लोग ध्यान देते हैं। तो हमें कुछ अच्छा करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बस बुरा काम करना होगा। What do you mean? हम लोग आत्मघाती हमलावर बनेंगे। हमारे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर के सभी न्यूज चैनल वाले 5 मिनट में यहाँ पहुंच जाए, नहीं तो मैं इस रिमोट को दबाकर तुम सबको लेकर उड़ूंगा। 3, 3, 2, 1। ब्रो, ब्रो, आप दोनों वही हो ना जो YouTube चैनल चलाते हो? ब्रो, आपका पार्क वाला प्रैंक गजब का था। वैसे आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो ब्रो? जरा मुझे ये दिखाओ, ये टीवी का रिमोट है क्या? कौन है ये? यहाँ पर भी फिर से प्रैंक कर रहे हो ना? ब्रो, इनका डरा हुआ चेहरा देख के बोल सकता हूँ कि आपका प्रैंक इस बार भी हिट है। ये लो, ये लो, करो करो करो, बजाता हूँ। सीएम के कार के आगे हम लोग कूद जाएंगे। हमारे प्यारे मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। प्यारे मुख्यमंत्री जिंदाबाद जिंदाबाद। मुख्यमंत्री भाई, तेरी दाढ़ी पे जो धूल लगा है उसे साफ कर ले, क्योंकि जब हम उठेंगे तो हमारी चारों तरफ मीडिया वाले होंगे। अरे ये क्या, ये लोग भी ब्रेकिंग न्यूज में आना चाहते हैं क्या? ब्रेकिंग न्यूज में आने के लिए बेकरार दो नौजवानों की लाश मिली। मैं तुझे बता रहा हूं, आगे चलकर ये एक ब्रेकिंग न्यूज जरूर बन सकती है। हे, उसका फोन उठाकर तू जवाब क्यों नहीं देता? कब से फोन काटे जा रहा है? अरे जाने देना। हे, वो लड़की तुझसे प्यार करती है, पता है ना? पता है, यही वजह है कि वो हमारी मदद कर रही है। हाँ, और तू भी उससे प्यार करता है, पता है ना? ऐसे क्या देख रहा है? ज्यादा नाटक मत कर, मैं भी तुझे कब से नोटिस कर रहा हूँ। हाँ यार,
मैं भी उसे बहुत चाहता हूँ, लेकिन लेकिन क्या, छुपा कर रखने से क्या होगा, जाकर उसको बोल दे। मैं उसे प्यार करता हूँ, लेकिन बताने का अभी सही समय नहीं है। पहले वो तीनों टास्क हम पूरे करेंगे, उसके बाद ही मैं जाकर उसको प्रपोज करूंगा। अभी प्रपोज करने में और उस समय प्रपोज करने में बहुत ही अंतर होगा। पहले तीन टास्क करेंगे, फिर प्यार, फिर शादी। उससे अच्छा लड़की को कह दो कोई दूसरा लड़का ढूंढ ले। एक्चुअली मैं बात करना चाहता था लेकिन फोन कट हो रहा था। यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग ब्रेकिंग न्यूज़। पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या करना चाहते हो? तुम लोग हो कौन? हाँ, कौन हो तुम लोग बताओ? कोई नेता हो क्या? कोई सेलिब्रिटी हो क्या? हाँ, कौन हो तुम लोग? लोग तुम्हें आखिर न्यूज़ में क्यों देखेंगे? तुम सलमान खान हो या कटरीना कैफ हो? एक बात ध्यान से सुन लो, ब्रेकिंग न्यूज़ बनवाई नहीं जाती है, बनाई जाती है। चलो मैं दिखाती हूँ। ये सांसद अपने बेटे के साथ यहाँ भूखा प्यासा विरोध में बैठा है। स्कूल के पास से शराब की दुकान हटवाना चाहते हैं ये लोग। वो शराब की दुकान नई नहीं है, पिछले 4 सालों से चल रही है। आज अचानक ये मुद्दा बन गया तो सारे टीवी चैनल्स माइक लेकर यहाँ आ गए हैं। सर, सर, मेरी बेटी वैसी नहीं थी। उनकी बेटियाँ स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने शराब पीकर नदी में पड़कर सुसाइड कर लिया। उनके घर में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही थी। ये लोग कह रहे हैं वो बहुत अच्छी लड़कियां थी, कभी शराब पी ही नहीं सकती, इसलिए न्यूज़पेपर वालों को रिक्वेस्ट कर रही है कि उनका नाम ना छापे। कोई भी माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा शराब पिए। शराब की दुकान के सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है कि दोनों ने शराब की बोतल खरीदी थी। यहाँ ये विरोध चल रहा है और वहाँ वो सांसद कह रहा है कि जब तक ये शराब की दुकान बंद नहीं होगी उन लड़कियों की लाश यहाँ से नहीं उठेगी। पिछले 3 दिनों से यही न्यूज में है और हम लोग इन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। अगर तुम भी नेता या फिर कोई अमीर आदमी होते ना तो मीडिया तुम्हारे पीछे भागती, पर तुम्हें कोई नहीं जानता। कौन हो तुम? हमारी बेटी को हमारे हवाले कर दीजिए। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। दो मासूम लड़कियां शराब पीने की वजह से मर गए। बताइए इसका जिम्मेदार कौन है, वो लड़कियां या फिर उसके माता पिता? हम उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। अरे सुनो, पर मेरा ये मानना है कि इसके जिम्मेदार हम लोग हैं। इस देश के हर आदमी को जिम्मेदार बनना पड़ेगा। सर, हाँ? आपका बेटा कब जिम्मेदार बनेगा? अब भाई, कहना क्या चाहते हो? नहीं सर, आप कह रहे हो ना कि सबको जिम्मेदार बनना होगा, तो इसमें आपका बेटा भी शामिल है क्या? एक नौजवान बहुत देर से इस बारे में बात करने के लिए वहाँ खड़ा है। देखना है कि आप उसके बातों को कितनी गहराई से लेते हैं। बुलाओ उसे भाई, बात करेंगे। बुलाओ। बुलाता हूँ। शिवा, सर इसके लिए हमारे युवा जिम्मेदार हैं, ऐसा हमारे एमपी साहब का कहना है। इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? मैं आपसे इस बारे में कुछ जरूरी बात बताने जा रहा हूँ। क्या आप लोग ये जानना चाहते हैं
कि उस लड़की की मौत कैसे हुई। सुनो, जो बात तुम यहाँ कहने आए हो वो कहो, मुद्दे भटकाने की कोशिश मत करो, समझे? बस एक मिनट सर, मैं जो कहना चाहता हूँ मुझे कहने दीजिए। हाँ तो सुनिए, क्या आपको लगता है कि उन दोनों लड़कियों ने मर्जी से आत्महत्या की है? तो फिर वो कैसे मरी सर? किसी ने उन्हें शराब की दुकान से शराब लाने की धमकी दी थी और वो लड़कियां डर कर शराब लाने को मजबूर हो गई थी, फिर वो शराब उन्हें जबरदस्ती पिलाई गई और फिर उन्हें मारकर फेंक दिया गया। उस लड़के के पिता को अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंता है, इसलिए वो लोग इस तरह विरोध करके मामले को रफा दफा कर देना चाहते हैं। कुछ भी हो सकता है ना सर? क्या बोल रहे हो, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? हेलो, तुम कहना चाहते हो कि उन लड़कियों की हत्या करने वाला एमपी का बेटा है और ये उन्हें बचाना चाह रहे हैं? ये कैसी बात कर रहा है? क्या बकवास कर रहे हो? माइक सामने है तो कुछ भी बोलोगे क्या? बोलो। हेलो सर, इस बात का आपके पास कोई एविडेंस है क्या? बोलिए। हाँ बोलिए सर, एविडेंस है क्या? हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम्हारे पास कोई एविडेंस है क्या? अगर है तो दिखाओ दिखाओ। सुनो, हमारे मीडिया वाले दोस्त तुमसे जवाब मांग रहे हैं, बताओ, जवाब दो, बताइए बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत है क्या? रानी क्या बक रहा है? अरे तो दिखाओ ना फिर सबूत, दिखाओ ना भाई सबूत, हां दिखाओ ना भाई दिखाओ, हां हां दिखाओ सबूत, दिखाओ 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 सबूत, दिखाओ क्या दिखाओ। यार बात ऐसी कि वो आत्महत्या नहीं थी, एमपी के बेटे ने रेप करके उन्हें मारा था, एक आदमी यहाँ पर एविडेंस दिखा रहा है। सच कह रहा है क्या? सच में, मैं रिकॉर्ड करके वीडियो भेज रहा हूँ, तू उसे लाइव कर देना चैनल पर। ठीक है जल्दी करो, एक ब्रेकिंग न्यूज हाथ लगी है, बॉस को इन्फॉर्म करो। अगर मैं वहां होती तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देती। मैं तो दाढ़ी बनाते समझ के कान काट देता। यार ब्रेकिंग न्यूज में आने के बाद पता नहीं अब कौन सा काम मिलने वाला है, बहुत डर लग रहा है। मुझे लग रहा है कि वो पागल आदमी यहाँ से चला गया है, कहीं हमें देख तो नहीं रहा है। तुमने गांधी को क्यों मारा? गांधी? गांधी मर गया? ओह नो, मुझे इसके पास छोड़ के भाग गया। काले अफ्रीका के आदमी, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? बोल। मैं तुझे अफ्रीकन लगता हूँ। सच बता। बोल। क्या कर रहा है? बोल यहाँ पे क्या कर रहा है? बोल। सर। नमस्ते सर। अरे रे 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 रे। तुम दोनों ब्रेकिंग न्यूज़ बन गए पूरे 22 चैनल्स पर। वेरी गुड वेरी गुड। कैसे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम लोगों ने कैसे किया। कैसे किया बताओ ना। ऐसा कुछ नहीं सर, बचपन से ही। सर आपने कहा था कि आपके अलावा वो नंबर किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन मुझे तो फोन पर कई सारी धमकियां मिल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं सब देख लूंगा। हाँ थैंक यू सर। अच्छा सर वो दूसरा टास्क क्या है? हाँ ये आवाज कैसी? मैंने उसे काट लिया। क्या क्या बात कर रहा है?
हाँ यार, देखिए सर, या तो वो इस घर में रहेगा या तो मैं, आप सोच लीजिए। वो मेरे बेटे जैसा है, यहाँ सिर्फ वही रहेगा। ये क्या बात हुई कि वही इस घर में रहेगा, अगला टास्क पूछो, काम खत्म करना है। मणि, इसका नाम मणि है, ये थोड़ा पता है सर, पता है। अगर कोई इसे छड़ी दे दे तो पता है सर, पता है। अगले चुनाव में इसे एमएलए बनाना है। मिस्टर शिवा, अपने हेल्थ का ध्यान रखना, टाइम टाइम पर खाना खाना, टास्क खत्म होने तक आराम मत करना, और सारे पैसे तू ही रख लेना। हाँ छोड़ मेरा, अगर ये एमएलए बन सकता है तो हम नहीं बन सकते? ये तो पागल है, और ये पागल हमें इसके साथ रख रहा है। क्या इस तरह देख क्या रहे हो? तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, तो इसे एमएलए क्यों नहीं बना देते? हमारे देश में कोई योग्य आदमी नहीं है क्या जो इसे एमएलए चुने? ये टास्क हमसे नहीं होने वाला। अरे चुप ना यार, हम बाद में बात करेंगे। सर प्लीज हमसे मजाक मत कीजिए, क्या सच में यही टास्क है क्या? ये दूसरा टास्क है, अगले चुनाव में इसे किसी तरह से एमएलए बना देना है, और उसके लिए जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा। ये तो बोलकर चला गया, पता नहीं क्या होगा। ए जा रे, मेरी बात सुनना यार, इसे भी हैंडल कर लेंगे। ये मत कहना कि मैं ये टास्क करने जा रहा हूं। हमने पहला जो काम किया वो मुश्किल था, मगर ये टास्क तो बहुत ही आसान है यार। क्या किसी पागल को एमएलए बनाना आसान काम है? ओ ए, जितना खर्चा होगा वो सब देने के लिए तैयार है ना? वैसे भी कोई ना कोई नेता तो भ्रष्टाचारी होता ही है ना, इस काम के लिए बहुत बड़े नेता से मिलना होगा जो अपराधियों का अपराधी है। ऐसे इंसान को ढूंढना होगा जिसकी आत्मा और सर से लेकर पैर तक सब भ्रष्टाचारी हो। हम बस क्या उसे पैसे दे देंगे और सीधे एमएलए बनवा देंगे। यू मीन अ पॉलिटिकल क्रिमिनल? यस। चुपचाप बैठ। हाँ बैठ जाइए। अच्छा तो वो तुम हो जो एमएलए बनवाने के लिए कितना भी रुपया देने के लिए तैयार हो? हाँ जी हाँ सर, वो मैं ही हूँ। हाँ तो जितना मांगूंगा उतना दोगे? आप जितना मांगेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। तो एमएलए क्या तुम बनना चाहते हो? नहीं सर, इससे बनना है एमएलए। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो बोलो ना, दोनों को बना देता हूँ एमएलए। सर एक विधानसभा में एक ही एमएलए जीत सकता है। अरे तुम क्या जानो, अगर एक राज्य में दो मुख्यमंत्री हो सकते हैं तो एक विधानसभा में दो विधायक क्यों नहीं हो सकते? ठीक है बेटा, तुम लोग मेरी बीवी से पैसों के बारे में बात कर लो, कल पार्टी ऑफिस में मिलते हैं। रुकिए रुकिए, शायद आप मेरे छोटे भाई को भूल रहे हैं। ओह थैंक गॉड, याद दिलाया तुमने, मैं तुम लोगों को एक जरूरी आदमी से मिलवाऊंगा। ये मेरा साला है, छोटे लाल नाम है इसका, इसे छींकने की बीमारी है। जब भी घर से निकलता हूँ तो मैं इसे छिंकवाता हूँ तो मेरा दिन बहुत शुभ होता है। लेकिन ये जरूरी है क्या उस समय उसे छींक आ ही जाए? हम लोग छिंकवा ही लेते हैं, जरा दिखाओ। ठीक है नेताजी। हो गया, आज का दिन तो शुभ हो गया, तुम लोग पक्का जीतोगे। सुनिए मुझे तो ये कुछ अजीब सा लग रहा है, अगर हमने इसे खड़ा कर दिया और वो लोग हमारे खिलाफ हो गए तो? होने दो, क्या करेंगे खिलाफ होकर? उन लोगों की बात कर रही हो जो पूरे साल हमारे खिलाफ ही खड़े रहते हैं और पैसे लेकर के ही हमें वोट देते हैं। वैसे लोगों से मैं नहीं डरता, 2020 का मैच होने लगता है तो टीवी के सामने चिपक कर दिन भर मैच देखते रहते हैं। किसी बात का कहीं कोई विरोध होता है तो भीड़ में खड़े होकर नारे लगाते रहते हैं। टीवी में किसी बात की बहस हो रही हो तो सीटियां बजाकर चिल्लाते रहते हैं। उनसे क्या डरना हमें है? कौन है ये लोग, क्या हमारा विरोध करेंगे ऐसे लोग? इनकी भला कोई औकात होती है क्या? अरे क्या करेंगे, हमारे ऊपर थूकेंगे? अगर वो थूकेंगे तो हम क्या करेंगे? पहुंच देंगे। हाँ
ये यहाँ ये बाउंड्री जंप करके क्यों आ रही है? देखना होगा ये किसके साथ हाइड एंड सीक खेल खेल रही है। जब मैंने कहा कि एक ब्रेकिंग न्यूज बनानी है तो तुमने सीधे हम लोगों को पागल बना दिया और अभी तुम उनके साथ छुप छुप कर प्लान बना रही हो। बताओ उसने तुम्हें कितने पैसे दिए? मैं तुम्हें अच्छी लड़की समझता था लेकिन तुम पैसे के लिए इतनी गिर जाओगी। बताओ तुम उसके साथ क्या कर रही थी अंदर? बताओ मुझे। चुप रहो, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल रहे हो। मैं उनकी बेटी हूँ। उनकी बेटी? You mean daughter? हाँ बेवकूफ। वो मेरे पापा है। बाहर क्या चल रहा है उन्हें पता नहीं, इसलिए मैं रिपोर्टर बनकर उन्हें सारी न्यूज आकर बताती हूँ। कौन से न्यूज चैनल में क्या बातें चल रही है सब उन्हें आकर बताती हूँ। वो सारी बातें जो आम लोगों को पता नहीं होती, इसी इन्फॉर्मेशन से वो हर चुनाव में जीत जाते हैं। पर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? कितनी बड़ी धोखेबाज हो। छी, जानती हो ये बाहर पता चला तो क्या होगा? हाँ तो क्या होगा, लोग मुझ पर थूकेंगे ना। वो थूकेंगे, मैं पोछूंगी। हटो। ए, ये क्या कर रही है भाई? वो उसका कौन है और वो उसके साथ क्यों जा रही है? बोलना। अरे यार ये लोग चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या देख रहा है तू? क्या देख रहा है बोलना। आपस में क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? लोगों की समस्या खत्म करनी है कि नहीं? नहीं नेताजी। नदी में पानी कम हो गया उसकी मांग कर रहे हो, काला धन वापस लाना चाहते हो? नहीं नेताजी। तो फिर किससे लड़ रहे हो? नेताजी हम चाहते हैं कि हमारा चुनाव प्रचार प्रियंका चोपड़ा करे। नेताजी मैं तो ये कह रहा हूँ कैटरीना से प्रचार करवाया जाए। तुम सब अलग अलग क्यों खड़े हो? नेताजी प्रचार करने के लिए कोई बड़ी हीरोइन नहीं आएगी तो हम में से कोई नहीं जाएगा। अपने बड़े बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। सब चिल्लाते रहते हैं। क्यों चिल्ला रहे हो? ये मेरी है। ठीक है, उल्लास नगर में जो चुनाव है उसके लिए हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। वहाँ हम मणि को उतारेंगे। किसी को कुछ कहना है? मैं इस पार्टी का सीनियर आदमी हूँ, मेरे अलावा आप उसे कैसे टिकट दे सकते हैं? पब्लिक ये है। रमेश एमजी नगर से तुम्हें खड़ा किया जा रहा है और उल्लास नगर से मणि को। जाओ। आप सब ये जानते हैं एक छोटी सी दरार पार्टी को खत्म कर सकती है। इस बार पार्टी बहुत लोगों को टिकट नहीं दे रही है। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप पार्टी के साथ खड़े रहें और मणि को जीतने में सहयोग करें। अबे उठाना, अबे ये उठाना, इसको उठाओ ना। तुम पागल लगते हो, तुम कुछ भी कह सकते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाओगे। तुम्हारी कट्टी और कनी दोनों अलग है। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। चुप नहीं बैठ सकता। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? चल छुप जाते हैं। क्या हुआ बे? प्लीज शिव। क्या? अंदर मत जा। अरे हमें कहीं तो छुपना होगा, तू भाड़ में जा। क्या चल रहा है यहाँ पे?
उससे डर के हम भागे, उसके हाथ में छड़ी आते ही वो कंट्रोल के बाहर हो जाता है। अभी उसके हाथ में छड़ी आ गई ना तो वो सबको मार रहा है सर। आप ही बताइए ना सर, अब क्या होगा? ऐसा रहा तो वो कैसे जीत पाएगा? बेटा तो हम अपना प्रचार शुरू। भाई आपने मणि अविकी को देखा? भाई मणि अविकी को देखा? अरे उस तरफ देखो। मणि नहीं पता। मणि अविकी को देखा? मणि अविकी को देखा क्या? क्या पता कहाँ गया? क्या हुआ भाई? मणि कहीं पर दिख नहीं रहा है। ट्रेनर के साथ कहीं होगा वो। ट्रेनर 2000 4000 6000 8000। तुमने मणि को देखा क्या? हे वो तुम्हारे साथ था ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे क्या पता। अच्छा तुमने विकी से पूछा क्या? अरे मैंने उसे फोन किया लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। किसका फोन है? अरे विकी का है। बात कर। हेलो हेलो भाई, गेस करो मैं कहां हूं। हे अब गुस्सा मत दिला, मणि कहीं गायब हो गया है। अबे मैं निशा और मणि निशा के चैनल ऑफिस में है। हां आज मणि इंटरव्यू देने जा रहा है। अरे उस पागल का इंटरव्यू, अगर वो कुछ उल्टा सीधा कर देगा तो क्या होगा? तुझे ये सब करने के लिए किसने कह दिया बे? अरे नहीं नहीं ये बहुत जरूरी है। अरे तू चिंता मत कर, उसके पास कोई डंडा नहीं नजर आएगा। चल ठीक है, शो खत्म होने के बाद मुझे फोन कर, मैं एडिट रूम में बैठूंगा और ये बताऊंगा कि क्या प्रसारित करना है और क्या नहीं करना है, उसके बाद ही वो टीवी पर आना चाहिए। सुपर, वैसे ही होगा। लेकिन लाइव शो में ये कैसे हो पाएगा? आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं इस शहर के एक खास मेहमान, वो आदमी जिन्हें इंक्वायरर की उपाधि मिल चुकी है। इन्हें बहुत बड़े नेता के रूप में देखा जा रहा है। नमस्ते मणि। मणि, लोगों के दिमाग में एक ही सवाल बार बार आ रहा है कि आप उनके लिए कौन सा काम करने वाले हैं। लोग आपको युवा नेता के तौर पे देख रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या बात है सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूँ लेकिन आप कुछ बोल नहीं रहे। आपसे जो सवाल पूछा गया है क्या उसका कोई जवाब है आपके पास? तूने गाड़ी को क्यों मारा बोल? गाड़ी को क्यों मारा बोल? गाड़ी को क्यों मारा बोल? मुझे छोड़ दीजिए। कावेरी का पानी कब भरोगे? कब भरोगे पानी कावेरी का? ऐसा नेता नहीं चाहिए। जनता को ऐसे ही नेता की जरूरत है। कैसी बात कर रहे हैं, वो आदमी पूरा पागल है। अरे अरे रे, इस जल्लाद को मैं अपनी बेटी देने वाली थी, ये तो मेरी बेटी को मार देता। ओशो की किताब पढ़ने के बाद आप लोगों को अपने सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। अरे भाई वो पूरा पागल है। क्या बोल रहे हैं? अरे वो पूरा पागल है। चुप। अरे ऐसे पागल बोल रहे हो? चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया है। वहाँ 75% लोगों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया है। वोटों की गिनती कल सुबह 10 बजे से शुरू होगी। हम लगातार इस बारे में आपको जानकारी देते रहेंगे। अरे यार, ए भाई, ए भाई, अरे उठना यार। हाँ निशा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शिवा उतना अच्छा नहीं है जितना तुम सोचती हो।
ए, तुम चाहो जितना भी मार लो, लेकिन मैं बदलने वाला नहीं। वोटों की गिनती शुरू हो रही है। पहले चरण की गिनती में रूलिंग पार्टी के नेता मणि अपोजिशन पार्टी के नेता तरनी सेन से 2200 वोटों से पीछे चल रहे हैं। बेटा सब खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग हार गए बेटा। अभी तक का इतिहास था नासा पार्टी के उम्मीदवार कभी भी उल्लासनगर की सीट नहीं हारी थी। ये कभी नहीं हो पाएगा, तुझे एक रुपया भी नहीं मिलेगा। पहले तीनों काम, फिर प्यार, फिर शादी। अच्छा होगा उस लड़की को कह दो कि कोई और लड़का ढूंढ ले। अरे अरे नेताजी वो आ गए। सर सर काउंटिंग हो रही है, कुछ तो कीजिए सर। सर सर हम किसी को फोन करके कुछ मदद मांग सकते हैं? सर 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 इतने रुपए खर्च करके आप पर भरोसा किया मैंने, मगर आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। जीप कोई और है। सर, 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 तुम अपना तीन पसंदीदा नंबर बताओ। क्या तीन? अरे अपने तीन पसंदीदा नंबर बताओ। सर 7, 3 और 4, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हो सर? सर नीचे जाओ और सोचो। सर नीचे जाओ पहले। उल्लासनगर के वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है। 734 वोटों के अंतर से रूलिंग पार्टी के मणि अपोजिशन पार्टी के तरनी सेन को हरा कर मणि जीत चुके हैं और नया इतिहास बना चुके हैं। पैसा पैसा पैसा, मैंने तुम्हें बताया था ना, अब मैं पैसों की महिमा बताऊंगा। लोग पैसों के लिए पॉकेट मारते हैं, जेल जाते हैं। पैसा एक पावर है, ताकत है, ऊपर तक पहुंचा सकता है। ये पैसा किसी को भी डॉक्टर बना सकता है, किसी को प्रोफेसर बना सकता है, और ये पैसा किसी को बैठे बैठे भिखारी से राजा भी बना सकता है कि नहीं? अगर पैसा है तो कानून को मुट्ठी में ले सकते हो। लोग सजा दिलवाने के बजाय तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे। ये पैसा तुम्हें महान बना सकता है, महान। पैसों से वोटरों का वोट खरीदा जा सकता है, लेकिन मैं वोट नहीं खरीदता, मैं वोट गिनने वाले को ही खरीद लेता हूँ। ये हर कोई जानता है कि मैं इस राजनीति में सिर्फ पैसों की वजह से ही टिका हूँ। कोई क्या कर लेगा मेरा? लोग हमारे ऊपर थूकते हैं तो हम क्या करते हैं? पूछ लेते हैं। आखिरकार हम लोगों ने उसे नेता बना ही दिया। ए शिवा विक्की कैसे हो यार, ठीक हो ना? चलो आओ फोटो खिंचवाते हैं। आ चलो खींचो। हाँ। खाना खा के जाना दोनों। ए इधर क्या है ये सब? ओ तो इसकी वजह से ये सब हुआ है। हाय ये भी ना। अरे यार जा जा जा। भाई हमने 2 टास्क पूरे कर लिए। अरे हाँ यार, हम जैसे तीसरा टास्क खत्म करेंगे वैसे हमें सारा पैसा मिल जाएगा भाई। यस। सर एक प्रॉब्लम हो गई है सर। क्या हुआ? एक आदमी 30 लाख रुपए का रिचार्ज करने के लिए बहुत टॉर्चर कर रहा है सर। अच्छी, ये क्या मुश्किल है? अभी तक ट्रेन क्यों नहीं खुली? सर दो लोगों ने ट्रेन रुकवा दिया, वो ट्रेन खरीदना चाहते हैं। क्या बोल रहे हो, कोई सरकारी ट्रेन खरीदना चाहता है? अरे दादी माँ कहाँ जा रही है? दो आदमी मुझे चांद पर ले जाने की बात कर रहे हैं। आ रहे हैं वो लोग। हेलो नाजा। नो वी डोंट सेल रॉकेट्स हियर। व्हाट इज बुशवान? व्हाट इज पांपुवरी? बुलशिट। हाय
हमारे शहर के शिवा और विकी ने व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप से मीटिंग फिक्स करके देश को चकित कर दिया है और वो लोग अमेरिका को खरीदना चाहते हैं। ये है आज की ब्रेकिंग न्यूज। बोलना सर, आपने जो दोनों टास्क बताए थे वो तो पूरे हो गए। अगर आप तीसरा टास्क मुश्किल भी बताएंगे तो हम उसे तुरंत कर देंगे और अपने पैसे लेके निकल लेंगे। उसमें कौन सी बड़ी दिक्कत है? मैं समझ सकता हूँ कि आप ऐसा टास्क सोच रहे हैं कि जिसे हम लोग कभी कर ही नहीं पाएंगे ना, बट इट्स ओके, आप काम बताइए, हम कर लेंगे। इसी बुधवार को सुबह 7:30 बजे यहाँ के रेलवे स्टेशन पर एक लड़की की हत्या होने वाली है। तुम्हें यह हत्या रोकनी है। सर, आप मजाक मत कीजिए, काम बताइए ना हमको। यही काम है। हत्या करने वाले के बारे में तुम लोग नहीं जानते, तुम लोग उस हत्या के विक्टिम को भी नहीं जानते, इसीलिए तुम लोग वहां बिना किसी हथियार के जाओगे। वे लोग जब चाकू से उस लड़की को मारने की कोशिश करेंगे तब तुम लोग किसी चीज से उन पर प्रहार कर सकते हो। तुम्हें उस लड़की को बचाना होगा। सर, ये क्या, आप हमको बेवकूफ समझ रहे हो क्या? सर, गुस्सा क्यों कर रहा है भाई? ये हम लोग को पागल बना रहा है यार। हम लोगों से किसी का मर्डर करवाने से बचाना चाहता है और वो भी बिना किसी हथियार के। तुझे लगता है कि हम लोग ये काम कर पाएंगे? करीब जाने तक उनका चाकू तेरे आर पर हो गया तो तब तू क्या करेगा? और तुझे बचाने के चक्कर में अगर मैं मर गया तो क्या होगा? या हम लोग बुरी तरह से घायल भी तो हो सकते हैं ना? हम तो बेवकूफ बनते जा रहे हैं, ये आदमी हम लोगों के साथ मजाक कर रहा है। मैंने तुम्हें शुरू में ही कहा कि मैं कोई भी टास्क दे सकता हूँ। तुम लोगों ने एग्रीमेंट पर साइन भी किया था। हाँ, आपने कहा था काम कोई भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कहा था कि हमको मरना होगा। मुझे मंजूर नहीं है, आप हमें आधा पैसा दे दो, हम अपने रास्ते चले जाएंगे। आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं ना, उनसे ये काम करवा लेना, हम लोग तो जा रहे हैं। अगर तुमने ये टास्क नहीं किया तो तुम्हें एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हम लोग पिछले 5 महीने से बिना आपसे पैसा मांगे आपका काम करते रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप हमको अभी एक पैसा भी नहीं देंगे? ठीक है, करना ही होगा। तुम्हें ये काम कुछ भी हो जाए करना ही होगा। अरे क्यों करना होगा काम? कौन है आप हमारे और मैं आपके लिए ये काम क्यों करूं? जब आपको हमारी जिंदगी की परवाह नहीं है तो मैं आपके लिए ये काम भला क्यों करूं? ठीक है, छोड़िए, हमने आपके सारे काम कर दिए ना, लेकिन आपने बताया कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं? हम लोगों को ब्रेकिंग न्यूज में आने की क्या जरूरत है? एक पागल आदमी को एमएलए के चुनाव में खड़ा करने की क्या जरूरत है? आपको ये मर्डर रुकवाने से क्या मिलेगा और आपको इस मर्डर और उस जगह के बारे में कैसे पता? आप ये सब नहीं बताएंगे तो हम आपके लिए जान नहीं देने वाले। आपको अगर नहीं बताने तो मत बताओ, आधा पैसा दे दो, नहीं तो हम देख लेंगे कि पैसे कैसे लेने हैं, हम सब देख लेंगे। ए चल भाई, चलते। पापा? कैसे हो पापा? आपको याद है ना पापा, कुछ दिन पहले आप मुझसे कह रहे थे कि जब मैं रिपोर्टर बन जाऊंगा तो आप मुझसे बात करना बंद कर देंगे। देखिए पापा, आप चाहते हैं कि मैं बिजनेस की पढ़ाई करूं, लेकिन मुझे बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं सच में जर्नलिस्ट बनना चाहता हूं पापा, रियल न्यूज कवर करना चाहता हूं। एक दिन मैं आपको बड़े न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज पढ़ता हुआ दिखाई दूंगा पापा। सारे न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज बनकर हर तरफ मैं ही छाया होऊंगा और हमारे घर में जो टीवी है ना उसमें मेरी ही न्यूज आ रही होगी और आप सोफे पे बैठ के मेरी न्यूज देखोगे। हाँ पापा, सच कह रहा हूँ पापा, ये बिजनेस करना मुझे नहीं आता है, इसीलिए पापा इतने विरोध के बावजूद भी मैं सिर्फ रिपोर्टर बनना चाहता हूँ। मैं हमेशा से आपसे इस बारे में बात करना चाहता था, लेकिन आप इतने बिजी थे कि आपको मेरे लिए फुर्सत ही नहीं थी। जब मेरी पहली सैलरी मिलेगी तो मैं आपके लिए गिफ्ट खरीदूंगा, तब देखना मेरा गिफ्ट मिलने के बाद आप सच में बहुत खुश हो जाएंगे पापा। पापा, आपके बर्थडे पर ना मैं सिर्फ एक चीज मांगना चाहता हूँ, आप मुझे एक बार अपने गले लगा लीजिए पापा। मेरा बेटा, उसका नाम अनमोल था, कहता था रिपोर्टर बनूंगा ताकि ब्रेकिंग न्यूज में आ सकूं, लेकिन मैं मना करता था। मैं उसे समझाता था कि इसमें ज्यादा रुपया नहीं मिलता, लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था। मैं उससे हमेशा नाराज रहता था, मैंने उससे बात करना बंद कर दिया था। मुझे लगता था कि अगर मैं उससे बात नहीं करूंगा तो वो मेरे साथ जुड़ जाएगा। जिस दिन वो मुझे
गिफ्ट ला कर दिया, उसी दिन उसे आखिरी बार देखा था। पापा पापा क्या है, जल्दी बोलो मुझे देर हो रही है। आपका बर्थडे है ना आज, इसलिए मैं ये गिफ्ट लाया हूँ। क्या है गिफ्ट में, सेलफोन? कितने का है? 6,000 या 8,000? तुम्हें पता है कि मैं कितने का सेलफोन रखता हूँ? तुम जानते हो ऐसा फोन कौन रखता है? hey, राम सिंह। जी मालिक। देखो मेरी बात तुम मान लो, ये जो तुम फालतू काम कर रहे हो उसे छोड़ दो और जल्द से जल्द मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लो। फिर मैं अपने ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद उसका फोन आया। पापा पापा पापा, मैं ना ब्रेकिंग न्यूज में आने वाला हूँ। पापा क्या कहा, ब्रेकिंग न्यूज में आने वाले हो? hey, बकवास बंद करो, जरूरी मीटिंग में हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। पापा 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 hey, चुप रहो, बाद में बात करता हूँ। पापा एक आदमी ने ना पुल के नीचे एक दूसरे आदमी की जान ले ली है पापा। हाँ? मतलब मर्डर? इस वक्त तुम कहाँ हो? मेरी बात सुनिए पापा, उसका चेहरा कवर करने के लिए मैं उसके पास गया था, पर उसने चेहरा रुमाल से ढका हुआ था। मैं उसका पीछा करते हुए उसके घर तक पहुँच गया हूँ। दिमाग खराब हो गया? hey, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तुम वहाँ से जल्दी भागो, हम ये बात पुलिस को बताएंगे। तुम वहाँ से जल्दी निकलो। पापा वो लोग अंदर क्या बात कर रहे, मैंने सुना है वो 26 दिसंबर की कोर्ट की सुनवाई की बात कर रहे थे, और उसके अगले दिन वो शहर के रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की के मर्डर का प्लान बना रहे हैं। पापा मर्डर, मर्डर करने का प्लान कर रहे हैं? बेटे तुम जल्दी से वहाँ से निकलो, वे लोग तुम्हें मार देंगे। तुम मुझे बताओ कि कहाँ हो तुम, बताओ मुझे। पापा, मैं आपसे कहा करता था ना एक दिन मैं ब्रेकिंग न्यूज कवर करूंगा, आज वही चांस मिला है मुझे। देखना, मैं अपने रिपोर्टर्स के साथ रेलवे स्टेशन पर जाऊंगा और जैसे ही वो मर्डर करने आएंगे हम कैमरे से उसे कैप्चर कर लेंगे पापा। और जब वो लोग मर्डर करने के लिए आगे बढ़ेंगे, बीच में आकर मैं उस लड़की को बचा लूंगा, सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा पापा। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, मैं छा जाऊंगा। वो पागलों जैसी बातें मत करो, तुम जैसा कह रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, मेरी बात मानो, निकलो वहाँ से। नहीं पापा, नहीं पापा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ब्रेकिंग न्यूज में आना ही आना है पापा। मुझे ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। मूर्ख नालायक, बताओ तुम अभी कहाँ हो? मैं वहाँ आ रहा हूँ। हाँ? हाँ? मैंने उसे हर जगह ढूंढा। 3 घंटे बाद मुझे एक फोन आया कि मेरे बेटे को रेलवे स्टेशन पर किसी ने मार दिया। मैंने वहां जाकर देखा, उन्होंने उस पर 12 बार प्रहार किए थे, उसे सुसाइड घोषित कर दिया गया। लेकिन सबको यह पता है कि मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं कर सकता था। उसके बाद मैंने हत्यारे को हर जगह ढूंढा और उसके 2 दिन बाद खूनी का ड्राइवर हमारी पकड़ में आया। क्या तुम जानते हो उन्होंने मेरे बेटे को क्यों मारा? सुनाई दिया? नहीं सुनाई दे रहा ना? लगता है तुमने सब सुन लिया। थोड़ा थोड़ा सुनाई दे रहा है। hey, भाई अंदर जाके बोलो तो। जी भाई। जल्दी सर, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे तो सुनाई दे रहा है। अरे रे रे रे, सुनाई दे रहा है, एकदम साफ सुनाई दे रहा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आओ 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 आओ। तुम कब से हमारी जासूसी कर रहे हो? कौन हो तुम? क्या रखे हो इसमें? हाँ बताओ। गलती हो गई। ऐ हमारा पीछा करते हुए आ गए? हम लोग अब दोस्त बन गए ना? हमारा पीछा किया ना तुमने? तो उस पुल के नीचे भी? हाँ? भाई हाँ? इसका आईडी भाई। हाँ तो तुम रिपोर्टर हो? हाँ? यार तुमने बताया नहीं। हाँ। अच्छा जासूसी कर रहे थे कि हम लोग अंदर क्या बातें कर रहे? नहीं बताओ ना, बताओ। चलो बताओ, बोलो 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 बोलो। देखिए वो 26 दिसंबर को कोर्ट केस की सुनवाई होगी। हाँ बात तो तुमने सही कही। और उसके अगले दिन हमारे हाँ, रेलवे स्टेशन पर जाकर रेलवे स्टेशन जाएंगे, फिर एक लड़की का मर्डर कर देंगे। हाँ, मर्डर करूंगा, वो भी लड़की का? हे भगवान। हाँ, चलो मान लिया, मगर ये सब जान के तुम क्या करोगे? पुलिस को बताओगे क्या? हाँ,
पेपर में लिखोगे? क्या करेगा बताना? कुछ नहीं करेगा। अरे भाई तो डर गया भाई, पीछे हटो, हटो हटो हटो, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। डर क्यों नहीं लगेगा मुझे, ये तुम्हारा घर है और चारों तरफ तुम्हारे आदमी खड़े हैं, कोई भी डर जाएगा, तुम अच्छे आदमी नहीं हो। तुमने पुल के नीचे एक आदमी को जान से मार दिया है, इस सच को मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा। ये बात है। हाँ तुम देखना, सच जानने के बाद पब्लिक तुम्हें छोड़ेगी नहीं। सबके सब लीचड़ हैं। एक बार चाकू दिखाऊंगा ना, सबके सब दुम दबा के खड़े हो जाएंगे, छुप के तमाशा देखेंगे। ये सब पहले हुआ करता था, अब नहीं होगा, लोग बदल गए हैं। बदल गए? क्या तुमने YouTube पे किसी की हत्या का वीडियो नहीं देखा है क्या? जब किसी की हत्या होती है ना, तो एक भी आदमी किसी को बचाने नहीं आता है, बल्कि मोबाइल में उसका वीडियो शूट करता है कि नहीं? एक भी वीडियो दिखा दो मुझे जिसमें कोई आगे आया हो। कोई आगे नहीं आता। नहीं, लोग आगे आएंगे। ए, कोई नहीं आएगा बे। आएंगे, एक आदमी के आगे आने की देरी है बस, सारे के सारे आएंगे, देख लेना। हाँ, अभी जो तुमने कहा ये सही था, जब एक आदमी आगे बढ़ेगा तो सब लोग आगे आएंगे, लेकिन वो एक आदमी आगे आता ही नहीं। जरूर आएगा। कोई नहीं आएगा। जरूर आएगा। कोई नहीं आएगा। आएगा। हे भगवान, इसे कैसे समझाऊं? ठीक है, हाँ तो चल मैं तीन काम करता हूँ। पहला, तुम्हारा मर्डर करूँगा। दूसरा, मैंने कभी रेलवे स्टेशन पे मर्डर ही नहीं किया है, तो तुम पे डेमो करके देखता हूँ। और तीसरा, जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है, कि तुम बार बार ये बोल रहे हो ना कि कोई ना कोई बचाने आएगा, तो मैं साबित कर दूंगा कि कोई नहीं आएगा। टाइम हो गया है, कॉलेज के लड़के वहीं पे होंगे, तो चलो 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 चलते हैं। अरे अपना चश्मा भूल गया। हे, कोई अच्छा गाना बजा। ठीक है भाई। मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, कोई तुझे बचाने आएगा या नहीं आएगा? आएगा। चलो फाइनली आ गए, यही वो जगह है ना, भीड़ भी है। ए, वहां देख ज्यादा ही भीड़ है। हाँ यहां अच्छी खासी भीड़ है। तो अब जब मैं चाकू दिखाऊंगा तो लोग मेरी तरह बढ़ेंगे। हाँ अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? भागो यहाँ से। देख 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 देख, मैंने तुझसे बोला था ना, जब तुझे मारूंगा तो तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। ये क्या? चलो चलो। मैंने तुझसे कहा था ना कि कोई बीच में नहीं आएगा, हाँ? सबके सब कायर हैं। कोई बीच में नहीं आता है, पब्लिक बस तमाशा देखती है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। पब्लिक,
तेरी बात सुन के एक सेकंड के लिए मैं भी डर गया था। मुझे लगा सच में कोई मुझे रोकेगा। अरे ये तो पागल है, पागल पागल है, पागल है। कौन हो तुम? हाँ? कहां से आए हो? बेवजह मारा गया। तेरे मरने से 10 सेकंड पहले मैं तुझसे कुछ कहना चाहता हूं। मरने से पहले मेरी बात सुन के मरो। हे हाँ, पल चल रही है, टिक 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 टिक, चल रही है, चल रही है, चल रही है। हे, मजा आ रहा है ना? जिनके ऊपर तुम्हें भरोसा था वो बेचारे नहीं है। आखिरी सांस तक मेरा बेटा इसी उम्मीद पर रहा कि कोई उसे बचाने आएगा, लेकिन वो नहीं समझ पाया कि कोई उसे बचाने वाला नहीं। मर गया वो और भीड़ उसे मरते हुए देखते रही। लेकिन जरा सोचो, क्या मेरे बेटे ने जो कहा वो सही साबित हुआ? लेकिन एक पागल से देखा नहीं गया, वो आगे बढ़ा। इस मामले में हम गलत साबित हो गए। लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, कितने स्वार्थी थे। लोग सिर्फ अपने खाने की फिक्र में रहते हैं, उन्हें दूसरे के भूख की परवाह नहीं है। उनसे पूछो कि उनके एरिया का एमएलए कौन है, उन्हें कुछ पता नहीं होगा। एक पागल ही उन पर शासन करने के लिए ठीक है, इसीलिए मैंने उसे बना दिया मणि एमएलए। इस देश में अगर भीड़ में भी कोई किसी की हत्या कर दे तो सब लोग चुपचाप खड़े होकर देखते हैं। उसी विश्वास के साथ कल फिर वे लोग एक लड़की को मारने जा रहे हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरा बेटा जिस एक आदमी को आगे बढ़ने की उम्मीद कर रहा था वो होगा। मैं अपने बेटे को बताऊंगा कि वो आ गया है। ये देखकर मेरा बेटा खुश होगा, बहुत खुश होगा। इसीलिए मैंने तुम लोगों को वहां जाने के लिए कहा। तुम जानते हो इस काम के लिए तुम्हें क्यों चुना? जब मुझे पता चला कि मेरे बेटे को किसने मारा है तो मैंने सोचा उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसीलिए उस दिन मॉल में गया था, वो मेरे पीछे की टेबल पर बैठा था। अगर तुम लोग मेरे गले पर छुरा रखने में 2 सेकंड देर कर देते तो उस आदमी का सर धड़ से अलग हो जाता। तुम लोगों को देखकर मुझे बेटे की याद आ गई। जब तुमने मुझे बदला लेने का मतलब समझाया तब मेरी समझ में आया कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफी कर रहा हूं। मुझे पता था तुम ये बात सीरियसली नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम सही कह रहे थे। अगर मैं उसे वहां मार देता तो कोई उसे बचाने के लिए नहीं आता और एक बार फिर मेरे बेटे की बात गलत हो जाती। उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये काम किसी तरह तुम दोनों से करवाऊं। मैं अच्छी तरह जानता था कि तुम लोग मेरी फीलिंग्स को समझोगे। अब तुम लोग बताओ, क्या तुम लोग कल उस लड़की को बचा पाओगे? नहीं होगा सर। नहीं बचाओगे? सर, आपने जो कुछ भी कहा वो सब कुछ ठीक है, और हमें आपके बेटे के लिए दुख भी हो रहा है, लेकिन आपने मर्डर के बारे में जो बताया तो उससे लगता है वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर हम वहां जाएंगे तो जरूर मारे जाएंगे। इसे प्रैक्टिकली सोचकर देखिए ना सर। तुम्हारा ये फाइनल डिसीजन है? हम लोग नहीं जाएंगे सर। अब हम आपसे पैसे भी नहीं मांगेंगे, हम लोग जा रहे हैं सर। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया क्योंकि मैं तुम लोगों में अपने बेटे को देखता था। अगर तुम लोगों के साथ ऐसा ही हुआ होता तो क्या तुम लोग ऐसे ही छोड़ देते? जाओ यहां से, मेरी नजरों से दूर चले जाओ। गेट लॉस्ट।
वो बेचारा लड़का मारा गया रे। यार तू क्यों ये सब सोच रहा है, भूल जाना। तू उसकी मौत के बारे में क्या सोचता है बता सकता है? मर्डर है? नहीं नहीं, ये बस देखने वाले का डर है। जो एक पागल आदमी ने किया वो तो कोई सोच भी नहीं सका रे। ए, जाने देना। निशा, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है कि वो मरते समय क्या सोच रहा होगा। ए, भूल जाना, कब से उसी के बारे में बात किए जा रहा है। ए, पत्थर क्यों मारता है, कौन है तू? हम लोग यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं और तू हमें डिस्टर्ब कर रहा है। ए, अरे छोड़ ना, चलना है। अरे क्या करेगा उसके पास जाके? ए, अब इस पागल से क्या बात करने वाला है तू? रुकना। ए, तेरा घर कहाँ है? तुझे भी किसी ने करोड़ों रुपए का टास्क करवाने के बाद धोखा दिया है क्या? अरे अपने आप को क्यों मार रहा है? शिव सुन, मुझे पता है तू दुनिया से कुछ कहना चाहता है, मुझे बता, मैं सबको बताऊंगा। शिव 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 हां शिव। हे हे, ये शिव शिव करके बोल रहा है। शिव शिव, कोई लगता है क्या तेरा? शिव 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 शिव। वो दोनों लड़के अच्छे हैं, अनाथ आश्रम से निकलने के बाद उनका देखरेख करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं उनकी देखरेख करता हूँ बस। भाई, भाई, राम भाई, शिवा, शिवा, आपका शिवा, ये हाल कैसे हुआ? शिवा, ये सब क्या हो गया भाई? शिवा, 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 अरे, ए, इसके सिर से तो खून निकल रहा है। ए, जल्दी आ, आना, अरे कोई प्लीज मेरी मदद करो। ये क्या हो गया भाई को? भाई, ए शिवा, चलना, अरे आजा। हेलो भाई, कौन बोल रहा है? मैं शिवा बोल रहा हूँ भाई। नालायक, तुम लोग अभी जिंदा हो? इतने दिनों से कहाँ लापता थे भाई? तुम दोनों के चलते तुम्हारा भाई पागल होकर गली गली भटक रहा है। एमपी के बेटे के चलते तुम लोग न्यूज में आए थे ना, उसके आदमी तुम लोग को ढूंढते हुए घर तक आए थे। जब उन्हें पता चला कि तुम लोग घर पर नहीं हो तो तुम्हारे भाई को बहुत मारा। यहाँ तक कि जब वो हॉस्पिटल में बेहोश था तब भी शिवा शिवा चिल्ला रहा था बेचारा। फिर एक दिन अचानक गायब हो गया, बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। मैंने उसे कहा था कि तुम जैसे भाइयों पर उसे भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी कहाँ हो तुम? तुम्हें जिसने पैसे देने का वादा किया था उसने पैसे दिया या नहीं? मैं जानता हूँ तुम लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो, तुम लोग बहुत बेकार हो। शिवा, शिवा, आखिर तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हें बताए बिना मणि को इंटरव्यू दिलाने के लिए अपने ऑफिस ले गई थी, इसलिए अब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? हम कभी कहीं एक साथ घूमे नहीं, हमने कभी डेट नहीं किया, लेकिन ये बात हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है शिवा, मैं ही पहले बोलती हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम चाहे मुझे डांटो या मुझसे नफरत करो, मैं तुमसे प्यार करती रहूंगी शिवा। शिवा, शिवा क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? कुछ बताओ शिवा, क्या बात है? मैंने खो दिया, मैंने अपना सब कुछ खो दिया। मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पसंद है, मैं बहुत स्वार्थी किस्म का इंसान हूं, लेकिन मेरे परिवार में क्या हो रहा था मैं भूल गया था। 6 महीने पहले जब मैं भूखा प्यासा घर आता था तो मुझे खाना देने वाला मेरा भाई राम था। इन 6 महीनों में मैं खुद खा पी कर मौज मस्ती करता रहा, लेकिन एक बार भी अपने भाई की खबर नहीं ली। पैसा ही सब कुछ है यही मैं समझता रहा और पैसे के पीछे भागता रहा, और मेरा भाई पागलों की तरह
यह भटकता रहा, पता नहीं बेचारा क्या सोच रहा होगा। मैं एक महीने पहले इस रोड से गुजरा करता था, न जाने उसने कितनी बार मुझे दिखा होगा। मैंने देखा कि उसके सर से खून निकल रहा था। वो बेचारी स्कूल की बच्चियां, वो तो मर गई ना। सब जानते थे कि उन्होंने खुदकुशी की, लेकिन मैं न्यूज में आने के लिए। हालांकि मैंने उन दोनों लड़कियों के लिए जो किया वो एकदम सही किया। मेरे सामने एक आदमी उसकी कमर पकड़ रहा था और दूसरा आदमी उसे शराब पिला रहा था, लेकिन मैं कैमरे के सामने खड़े होकर, अगर मैं कैमरे के चक्कर में नहीं पड़ा होता तो वो लड़कियां बच जाती थी ना। लेकिन मुझे अपनी खुशी और अपने पैसे से मतलब था। लेकिन अब मैं नहीं मानूंगा। अब तो कल जो आदमी एक लड़की को मारने के लिए स्टेशन पर निडर होकर जा रहा है, मैं उससे लड़ूंगा। ए, पागलों जैसी बातें मत करो, पता है वो कितना खतरनाक है। मैं मर जाऊंगा, मर ही तो जाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि लड़ते कैसे हैं। अगर तुम जाओगे तो तुम्हारा साथ देने के लिए तुम्हारे पीछे और भी लोग आएंगे। कोई नहीं आएगा, एक आदमी भी आगे नहीं आएगा। किसी की जरूरत नहीं है मुझे, मैं मुकाबला करूंगा चाहे कल मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन लड़की को कुछ नहीं होने दूंगा। क्या हुआ? एक कार आ रही है, मैं उसे लिफ्ट मांगता हूँ। सर हमें थोड़ा अर्जेंटली रेलवे स्टेशन पहुंचना है, हमें छोड़ देंगे क्या? जब वो लड़की पर हमला करेगा तो हम बचाएंगे। पता नहीं वो आएंगे भी या नहीं, मैं जा रहा हूं। हाँ सुन भाई, हम दोनों के लिए मर्डर से लड़ना बहुत ही मुश्किल होगा, इसके लिए हम दोनों को एक काम करना होगा। हाँ। जब मैं बीच में जाऊंगा और वो मुझे मारने लगेगा तो तू आकर मुझे बचा लेना। हाँ। और जब वो तुझे मारेगा तो मैं तुझे आके बचा लूंगा। इस तरह से हम दोनों एक दूसरे को बचाएंगे। और एक बात और, किसी भी कीमत पर हम दोनों को एक साथ उसके पकड़ में नहीं आना। मुझे तो अभी से ही डर लग रहा है। डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, फिर भी हम यहां है ना, जो होगा देखेंगे। शिवा एक आखिरी बार। लेकिन वैसा आदमी पैदा ही नहीं हुआ है ना। वो जरूर आएगा, जरूर आएगा वो। नहीं नहीं मैं ठीक हूं भाई, थैंक यू सो मच। थैंक्स? हाँ। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? वही हूँ,
जिसके लिए तुम अभी लड़ रहे थे भाई।